मोबाइल चोरी की बढ़ती वारदातों ने जनता और पुलिस दोनों का जीना मुहाल किया है। थानों में इसकी सबसे ज्यादा शिकायतें आती हैं और अब पुलिस विभाग का इस ओर खासा ध्यान रहता है। कई कांस्टेबल और टीमें इसमें धुरंधर हैं जो खोए मोबाइल और ऑनलाइन फ्रॉड से जनता को राहत दिलाती है। इसके कई उदाहरण हैं। प्रदेश मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद उदयपुर पुलिस ने जिले भर में ऑपरेशन एंटीवायरस चलाया। पुलिस ने इस विशेष ऑपरेशन के तहत विभिन्न थाना इलाकों में गुमशुदा और चोरी हुए मोबाइल को रिकवर किया। अभियान के तहत पुलिस ने अब तक 548 मोबाइल रिकवर किए हैं। रिकवर हुए मोबाइल को आज SP योगेश गोयल ने पीड़ितों को प्रदान किया। पुलिस ने इस विशेष अभियान में अंबामाता थाना पुलिस ने सर्वाधिक 1231 गुमशुदा मोबाइल की रिकवरी की। पुलिस की तरफ से रिकवर किए गए मोबाइल को SP ऑफिस के साथ साथ संबंधित थानों से पीड़ितों को दिए जा रहे हैं। गुमशुदा मोबाइल मिलने पर सभी लोग बेहद खुश हैं, साथ ही पुलिस का धन्यवाद भी कर रहे हैं। इस मौके पर SP गोयल ने कहा कि चोरी और गुमशुदा हुए मोबाइल को रिकवर करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन SCRB के जरिए पुलिस में बीते करीब 4 महीनों में 548 मोबाइल को रिकवर किया गया है। आगे भी पुलिस का यह अभियान जारी रहेगा। सुनिए क्या कहा SP योगेश गोयल ने। कि मोबाइल खोना और मोबाइल छीनने की वारदातें एक आम अपराध बन गया है, क्योंकि लगभग सभी व्यक्तियों के पास अपना एक मोबाइल होता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, सस्ता हो, महंगा हो। इस तरह मोबाइल की कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद चुनौती रहा। इस तरह की शिकायतें आम होने के कारण भारत सरकार द्वारा एक CEIR के नाम से एक पोर्टल बनाया गया, सेंटर इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ये पैन इंडिया एक पोर्टल है। इस पोर्टल पर कोई भी मोबाइल जो चोरी का है उसको रजिस्टर करने के पश्चात अगर वो मोबाइल कहीं पर भी ऑपरेट हो रहा है तो उसकी सूचना हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे कि उदयपुर का मोबाइल अगर मान लीजिए बॉम्बे में चल रहा है तो बॉम्बे की पुलिस भी उस मोबाइल को रिकवर कर सकती है या उसको इसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकती है। इसी तरह से उदयपुर पुलिस द्वारा जो सरकार के द्वारा इस मोबाइलों को ट्रेस करने के लिए एक एंटीवायरस ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन के तहत उदयपुर पुलिस द्वारा जो विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी हुए हुए या अन्यथा मिसिंग हुए हुए मोबाइलों को रिकवर करना स्टार्ट किया, और इसके तहत पिछले 2-3 महीनों में लगभग 550 मोबाइल हमने विभिन्न माध्यमों से रिकवर किए और आज ये मोबाइल आज आपके सामने हैं, जिन्हें आज हम हमें वापस इनके होल्डर्स को वापस सुपुर्द करेंगे। देखिए, मोबाइल सिर्फ हम सिर्फ एक मोबाइल ही उनको वापस सुपुर्द नहीं कर रहे हैं, उनको वापस उनकी एक मुस्कान, उनकी एक मेमोरीज भी वापस हम उनको हैंडओवर कर रहे हैं। क्योंकि मोबाइल्स के अंदर आपका फाइनेंशियल डाटा, आपकी मेमोरीज, आपकी फ़ोटोज़, आपकी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो अन्यथा आपके कहीं और आप स्टोर करके नहीं रखते हैं। तो आज हम उनको ये सारे मोबाइल उनको सुपुर्द कर रहे हैं जो आज आपके सामने हैं, और ये सारा कार्य हमारी उदयपुर पुलिस के जो पुलिस थानों में लगे हुए, अलग अलग थानों में लगे हुए जो सिपाही हैं, हेड कांस्टेबल्स हैं, जिन्होंने अथक मेहनत करके, प्रयास करके इन मोबाइलों को रिकवर किया, और रिकवर करने के बाद ये सभी थानों में है। लगभग संख्या वाइज अलग अलग है, शहर में इसकी संख्या जो शहरी थाने हैं उनकी थाना उनमें इनकी संख्या कंपेरेटिवली रूरल पुलिस स्टेशन से ज़्यादा है। अंबामाता, हिरण मगरी, सवीना, सुखेर, सूरजपोल, इन सभी थानों का इसमें जो प्रेस नोट के अंदर हमने आपको इसकी विस्तृत डिटेल भी शेयर की है। ये मोबाइल जो आपके सामने पड़े हैं लगभग 350 हैं, लगभग 550 मोबाइल हमने रिकवर कर लिए। इसके अलावा जो करीब 150-200 मोबाइल हैं वो इसके पूर्व हम ऑलरेडी सुपुर्द कर चुके हैं। कुछ ओनर्स आज हमारे आपके सामने आए जिनको हम उनके मोबाइल्स हम सुपुर्द करेंगे। इसके तहत अलावा चूँकि सभी आना यहाँ संभव नहीं है, थाने में जो भी इनके मालिक होंगे उनका नाम पता सब कुछ इस मोबाइल के पीछे लिखा हुआ है, तो उन्हें उसके हिसाब से उन्हें सपोर्ट करें। अगर ऑपरेटिंग पोजीशन में नहीं हो तो लोकेट भी नहीं कर सकते थे, ये बिल्कुल ऑपरेटिंग पोजीशन में है।